अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं परवल का सालन। ये बहुत टेस्टी बनता है और मटन के गोश्त में ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसे कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो मटन, जिसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है, और ये ले लिया मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। तो पेस्ट जो है वो मैंने पहले से ही पीस के रख लिया था। तो मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ कि दो मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और थोड़ी सी अदरक और एक पंच लहसुन। तो इसको मैंने पीस लिया है, पीस करके मैंने एक कटोरी में रख लिया है। और यहाँ पर मैंने ले लिया 250 ग्राम परवल। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कुकर मैंने गैस पर रख दिया है, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम एक मीडियम साइज़ की प्याज काट के ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसे अच्छी तरह से ब्राउन कलर का हमें कर लेना है। तो प्याज का कलर ब्राउन हो गया, अब इसके अंदर मटन ऐड करेंगे। मटन हमने ऐड कर दिया, अब अच्छी तरह से इसे हम चलाएंगे और अच्छी तरह से तेल में इसे हम भून लेंगे। तो 1 मिनट तक इसी तरह से हम चलाते जाएंगे और मटन को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका कलर चेंज हो जाने तक कि इसको हमें भूनना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे, जो हमने पहले से ही पीस के रखा था और आपको दिखाया भी था। तो इस पेस्ट के साथ भी हमें अच्छी तरह से इसको भून लेना है 1-2 मिनट तक के। गैस की फ्लेम हमें हाई रखना है इस वक्त, अच्छी तरह से हमें भून लेना है। अब इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है। तो सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और अच्छी तरह से भून लेना है। तो मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि मटन का गोश्त जो है वो जल्दी गल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। अब हम इसे कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं और हमें इसे 90% कुक करना है, 100% कुक नहीं करना है, क्योंकि अभी हम इसे परवल के साथ भी गलाएंगे, तो इसलिए हमें सिर्फ 90% ये गला हुआ चाहिए। तो गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अगर आपको लगे कि गोश्त में थोड़ा बहुत पानी है तो उसे ड्राई कर लें। अच्छी तरह से हमें भून लेना है हाई फ्लेम पर। तो अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें परवल ऐड करेंगे। तो गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून गया है और हम इसमें परवल ऐड कर देंगे। तो परवल को हमने 2 टुकड़ों में काट लिया है, 300 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर परवल लिए हैं। और इसके जो बीज के बीज होते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि बीज जो है वो सालन में अच्छे नहीं लगते हैं। परवल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी मैं यहाँ पर 1 कप के करीब डाल रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं किया जाता है, इसका शोरबा जो है थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होता है, तो इसलिए मैंने 1 कप रखा है। आपको जितना भी शोरबा रखना हो आप उस हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे कवर कर देंगे और अच्छी तरह से हमें इसे कुक कर लेना है। तो बस 2 सीटियाँ लेंगे, 2 सीटी में ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे, क्योंकि 90% जो है गोश्त गल चुका है और बाकी का जो 10% है वो परवल के साथ में गल जाएगा। तो 2 सीटी आने के बाद मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी थी और इसका जो प्रेशर है वो अपने आप मैंने रिलीज़ होने दिया। उसके बाद मैंने खोल करके इसे चेक किया है। तो ये परवल का सालन बन करके बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गया है और ये मटन में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही सादा सा ये सालन है, गर्मियों के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। तो अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।